रतलाम जिला मुख्यालय पर अखंड भारत संकल्प दिवस पर एकजुटता का संदेश देने के लिए हिंदू जागरण मंच ने वाहन यात्रा निकाली, जो गीता भवन से संत आचार्य राम स्वरूप जी महाराज, मालवा प्रांत मंत्री नेपाल सिंह डोडिया के अगवानी में शुरू हुई। भगवा ध्वज हाथों में थामे युवा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे, एकता के नारे लगाए, सबसे आगे केसरिया साफे बांधे हिंदू वीरांगनाएं चली। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अनिल पाटीदार ने बताया, खंडित भारत को फिर से अखंड बनाने के लिए वाहन यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा प्रमुख मार्गों से होती हुई शुगर मिल पहुंची, जहां भारत माता की महाआरती की और महाप्रसादी वितरित की गई। इसके पहले भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने व जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। मामला में मेरे संज्ञान में अभी जो इन्होंने पढ़ के सुनाया वो आया है, और ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और अनुभागीय महोदय के नाम पे है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।